गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम शिवम सक्सेना, योर पॉलिटिकल साइंस टीचर. इन द प्रीवियस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इंडिजीनियस पीपल्स. तो हमने इंडिजीनियस पीपल्स के बारे में बताया था कि ऐसे लोग जो एक लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं बट कि कॉलोनियल कंट्रोल या इंपीरियलिज्म की वजह से उन पर ओवरकम कर लिया गया या उनको कंट्रोल कर लिया गया, उन लोगों को हम लोग इंडिजीनियस पीपल की कैटेगरी में बेसिकली कैटेगराइज करते हैं. तो पूरे वर्ल्ड में लगभग 30 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो इंडिजीनियस पीपल्स की है. और इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट द कंडीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिजीनियस पीपल. इन इंडिया द डिस्क्रिप्शंस इंडिजीनियस पीपल इज यूजली अप्लाइड टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स हु कॉन्स्टिट्यूट नियरली 8% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. इंडिया में जैसे तो वर्ल्ड में हर जगह इनको शेड्यूल ट्राइब्स के नाम से जाना जाता है, इंडिया में भी इनको शेड्यूल ट्राइब्स के नाम से जाना जाता है और लगभग 8% टोटल पॉपुलेशन के ये लोग हैं. विद द एक्सेप्शंस ऑफ द स्मॉल कम्युनिटी ऑफ हंटर एंड गैदरर, मोस्ट इंडिजीनियस पीपल इन इंडिया डिपेंड फॉर देयर सब्सिस्टेंस प्राइमरली ऑन द कल्टिवेशन ऑफ द लैंड. ठीक है, कुछ को अगर आप छोड़ दीजिए एक्सेप्शन में, जो कुछ कम्युनिटी हैं जो इंडिजीनियस है, जो हंटर और गैदरर हुआ करते थे, ज़्यादातर इंडिजीनियस पीपल्स का इंडिया में जो सर्वाइवल है वो कल्टीवेशन ऑफ लैंड है. फॉर कंट्रीज इफ नॉट मिलेनिया दे हैड फ्री एक्सेस टू एज मच लैंड एज दे कुड कल्टीवेट. इट वॉज देखिए, कंट्रीज़ में अगर स्टार्टिंग में वो कंट्रोल नहीं होता तो उनके पास जितनी ज़मीन कल्टीवेशन के लिए थी उतनी थी. इट वॉज ओनली आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल. देखिए, मैं स्टार्टिंग से ये बात बता रहा था कि जब ब्रिटिश ने कॉलोनियल रूल्स इस्टेब्लिश किया था, उससे पहले उनके पास अनलिमिटेड ज़मीनें होती थी, वो जंगल में रहते थे और पूरा जंगल उनका था. वो कितने भी एरिया को साफ करते थे और वहाँ पर खेती का काम करते थे. लेकिन जब ब्रिटिश कॉलोनीज रूल एरियाज़ ने उस पर्टिकुलर इनहेबिटेंट्स को या शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटीज़ को रिजर्व फॉरेस्ट एक्ट पास करके फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया था, उनको हटा दिया था, देन दे स्टार्ट फेसिंग द प्रॉब्लम. उनका मेन और जो प्राइमरी सर्वाइवल था वो एग्रीकल्चर था, और जब वो उनके पास ज़मीन नहीं रही तो वो एग्रीकल्चर कहाँ करते. ठीक है, दिस वॉज द प्रॉब्लम. ऑल्दो दे एन्जॉय अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस, दे हैव नॉट गेट मच ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट इन द कंट्री. ऑल्दो दे एन्जॉयड अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस मिला जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, लेकिन उसके बावजूद भी दे हैड नॉट गेट मच बेनिफिट्स ऑफ द डेवलपमेंट इन द कंट्री, और उनको कंट्री की डेवलपमेंट से उतना ज़्यादा बेनिफिट आज तक नहीं मिला. इनफैक्ट दे हैव पेड अ ह्यूज कॉस्ट ऑफ द डेवलपमेंट सिंस दे आर द सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप अमंग द पीपल डिस्प्लेस्ड वाया वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सिंस इंडिपेंडेंस. ठीक है, यानी अब सबसे ज़्यादा देखिए डेवलपमेंट से क्या हुआ, उनको कोई भी ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिला. डेवलपमेंट हुआ, नई नई इंडस्ट्रीज लगाई गई, उनकी ज़मीनें छीन ली गई, उनके घर छीन लिए गए, तो क्या हुआ, लार्ज सबसे ज़्यादा नुकसान जो डेवलपमेंट को हुआ है वो इंडिजीनियस पीपल्स को ही हुआ. डेवलपमेंट का इशूइंग उनकी इंडिपेंडेंस भी खत्म कर ली गई. इशू इज़ रिलेटेड टू द राइट्स ऑफ द इंडिजीनियस कम्युनिटी हैज़ बीन नेग्लेक्टेड इन अ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन वेरी लॉन्ग. एक लंबे समय से इस मैटर को, इंडिजीनियस पीपल्स के राइट्स के मैटर को वर्ल्ड लेवल पर डिस्कस किया जा रहा है. 1970s के ड्यूरेशन में ग्रोइंग इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट अमंग द इंडिजीनियस लीडर्स एंड अमंग अराउंड द वर्ल्ड अक्रॉस aroused a sense of common concern and shared experiences. The World Council of Indigenous People was formed. ये important है कि इनके rights को बचाने के लिए 1975 में World Council of Indigenous Peoples को launch किया गया. The council become subsequently the first of 11 indigenous NGOs, non-governing organizations, टू रिसीव अ कंसल्टेशन स्टेटस ऑफ अ यू एन. ठीक है, सबसे पहले 11 NGOs को लगातार जो कि नेगोशिएट करें और इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें ट्राइबल पीपल्स को, उनको कंसेंट दी गई और कंसल्टेटिव स्टेटस दिया गया UN के द्वारा. ठीक है, मैनी ऑफ द मूवमेंट्स अगेंस्ट द ग्लोबलाइजेशन डिस्कस इन चैप्टर 9 हैव फोर्स्ड ऑन द राइट्स ऑफ द इंडिजीनियस पीपल्स. ठीक है,
So this is all about the indigenous people. Now this chapter is finished. Okay? In the next video, we will discuss the next one chapter. Thank you very much.